नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा, मैं इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं, जिन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता से भारत को गौरवान्वित किया है। उनका समर्पण और जुनून वास्तव में अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे देश की उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति है। बेंगलुरु स्थित इसरो कमांड सेंटर में इसरो वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश में हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन भारत के चंद्रयान ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक उतार कर इतिहास रच दिया था। अतः इस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने से देश के लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। इस संबंध में पीएमओ ने एक ट्वीट भी किया है। बीएसएफ साउथ बंगाल फ्रंटियर ने एक गोल्ड तस्कर को पकड़ा है। उसके पास से सोने की 10 बिस्किट बरामद की गई है। मार्केट में इसकी कीमत करीब 69 लाख रुपए बताई जा रही है। इसका वजन 11.64 किलोग्राम है। पकड़े गए तस्कर की पहचान रायल मंडल के रूप में की गई है। मंडल बांग्लादेश से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। जब्त सोना को कस्टम ऑफिस करीमपुर को सौंप दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और एक जिला बदर चल रहे एक बदमाश में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। पकड़े गए बदमाश के ऊपर लूट और हत्या जैसे गंभीर मामले चल रहे हैं। बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस और एक कार भी बरामद की है। घायल बदमाश को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस बदमाश की आपराधिक मामलों को खंगालने में जुट गई है। बता दें कि मामला ग्रेटर नोएडा के इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र का है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो की सराहना की है। चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर पाक विदेश मंत्रालय ने कहा, यह वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक सराहना के पात्र हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।